लोगों को मनवाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, यहां तक कि चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला धमतरी में आया है, जहां सोरेद वार्ड में स्थित शराब दुकान को हटवाने के लिए वार्डवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर शराब दुकान हटवाने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर वार्डवासियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी प्रशासन को दी है। वार्डवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोला गया है, जिससे यहां के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि शराब दुकान को वहां से प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। हम लोग भट्टी हटवाने के लिए आए हैं। दारू भट्टी जो एकदम नेशनल हाईवे में है ना, और वो जो भट्टी का वहाँ नवा गांव अघारी का है बोलते हैं, लेकिन अपने कॉलोनी में खोल के खोमचे वाले लोग लाइन लगा दिए हैं, और हमारे बच्चे रात आते जाते रहते हैं, ट्यूशन आते जाते हैं, हम लोग भी गली अंदर भी दारू वाले लोग बैठ के पीते हैं और गंदा गंदा गाली भी देते हैं, बोलते हैं भाई ये गलत बात है। दुकान अन्य वार्ड के नाम की और उनके वार्ड में लगी हुई है, तो उनके आवेदन को प्रक्रिया में ले लिया गया है। इसमें आपका अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा, जो भी प्रतिवेदन होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। और वार्ड वासियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसकी वजह से जो ठेले खोमचे अनाधिकृत रूप से लग रहे हैं, उससे अनावश्यक भीड़ भाड़ हो गई है, और साथ ही साथ वहां पे पुलिस की गश्त भी बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो ये दोनों काम पे तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया जाएगा। बाकी जो हटाने की बात है वो प्रक्रिया के अनुरूप रहेगी, जैसा भी होगा कार्रवाई।